अब ये लड़का टनल के दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से भी पानी आ रहा था, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और सार्क इस पर अटैक करने ही वाली थी तभी ये ऊपर चढ़ जाता है। और अब यहाँ पर ऊपर आग ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से इनकी सीढ़ी भी टूटने वाली थी। और तभी इनकी सीढ़ी टूट जाती है और ये सीढ़ी के साथ नीचे गिरने लगते हैं, जिसमें एक लड़की पानी में गिर जाती है और ये लोग सीढ़ी पर लटक जाते हैं। तभी ये लड़का उस लड़की को बचाने के लिए सीढ़ी पर उल्टा लटक जाता है और उस लड़की को अपना हाथ पकड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इस लड़की को सार्क नीचे खींच लेती है और ये सभी लोग सुन पड़ जाते हैं। और एक बार फिर लड़की पानी से ऊपर आती है, लेकिन सार्क ने इसे अपने मुंह से दबा रखा था। ये लड़का इस लड़की को पकड़ने की दोबारा कोशिश करता है, लेकिन ये सार्क उस लड़की को नीचे लेकर चली जाती है और इसे मार डालती है। अब ये लोग डर जाते हैं और उस लड़की को खोने का इनको अफसोस होता है। अब ऊपर तेजी से आग बढ़ती जा रही थी, जिससे आग नीचे गिर रही थी और नीचे वाला पानी भी तेजी से ऊपर आ रहा था। इनके पास केवल एक ही रास्ता था, वो भी टनल के ऊपर वाले दरवाजे से, लेकिन वो दरवाजा काफी ऊंचा था, वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल था। तभी इनको कोई आवाज सुनाई देती है जो जोर जोर से दरवाजे को तोड़ रहा था। इनको लगता है कि वो सार्क दरवाजे को तोड़ रही थी, लेकिन तभी उसी दरवाजे से एक आदमी आता है।